मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा सिंधिया को काले झंडे दिखाने एवं ज्ञापन देने का पता चलने पर उनके मार्ग पर भारी पुलिस व्यवस्था की गई। बड़ी चौपाटी पर पार्टी कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए जमा होकर नारेबाजी कर रहे थे, तभी 18 लोगों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में शासकीय कॉलेज में भेज दिया गया। बाद में उन्हें रिहा किया गया। नेताओं में मनीष बोकड़िया, अभिषेक टल्ला मोदी, अश्विन पाटीदार, निर्मल वर्मा आदि मौजूद रहे।